अपने आप को डिवैल्यू मत करो इस लड़की की खातिर। अगर उसका खानदान अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करना चाहते तो ना सही, कोई कमी है तुम्हें लड़कियों की, बताओ। Excuse me. अब आप यहाँ क्या करना है? तुम मेरी कॉल्स क्यों नहीं रिसीव कर रहे? क्योंकि मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आपकी वजह से मेरी जिंदगी सबसे अहम चीज छिन गई, और आपकी गलती की वजह से नाउ आई हैव टू सफर। कौन सी गलती? कैसी गलती? मैंने क्या गलत किया? कौन सी गलती? कौन सी गलती? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो बुजदिलों की तरह वहां से भाग क्यों गए थे? Why didn't you stay? मैं इसलिए वहां से निकल गया था ताकि मेरी वजह से कोई बदमस्ती ना हो जाए, खामखा बात खराब हो जाती। बात तो खराब होगी ना डैड, बात तो खराब हो गई, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। आप मुझे एक बात बताएं, आपने ऐसा क्यों किया? क्यों किया आपने? आपने उनके बहन के साथ इतना बुरा क्यों किया? मैंने किसी की जिंदगी खराब नहीं की है, बल्कि मैं अपनी खुद की जिंदगी संवारना चाहता था। वो जो रिश्ता था, इट वॉज अ बर्डन जो तुम्हारे दादा ने मेरे कंधों पर सौंप दिया था। मैंने नगमा को रिहा कर दिया इस बोझ से ताकि वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह गुजार सके, उसकी जिंदगी के कीमती साल नहीं जाया हो सके, वो अपनी जिंदगी का फैसला कर सके। तो क्या गलत किया मैंने? और ये बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? क्योंकि मेरे नजदीक ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी कि मैं तुमसे शेयर करूं। और यही मशवरा मैं तुम लोगों को दूंगा, जिंदगी में कोई चीज या इंसान इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता कि उसके बगैर गुजारा ना हो सके। अपने आप को डिवैल्यू मत करो इस लड़की की खातिर। अगर उसका खानदान अपनी लड़की की शादी तुमसे नहीं करना चाहते तो ना सही, कोई कमी है तुम्हें लड़कियों की, बताओ। वो लड़की अगर नहीं तो कोई भी नहीं। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ समझाने आया था, द रेस्ट इज अप टू यू। अगर तुम्हें अपनी माँ की तरह इमोशनल फूल बन के यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ तो करो, जो जी में चाहे करो, मुझे क्या है। गो अहेड। Assalamu alaikum. Please subscribe to AYR Digital YouTube channel for amazing content.